नमस्कार, इस वक्त मैं रोहतास जिला के तिलौथु प्रखंड के तिलौथु बाजार में स्थित सोनार गली में और यहाँ पर पटना से चलकर सीजन मैन के नाम से जाने जाने वाले गौरव राज जी आए हैं और यहाँ पर बच्चे को कुछ पुरस्कृत कर रहे हैं और सारा कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर तिलौथु में आपका आगमन है, सर क्या उद्देश्य हुआ? देखिए, उद्देश्य नहीं है, सत्यानंद जी अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के बीच में और हम बहुत दिन से वाच किए, थोड़ा हम सख्ती स्वभाव का आदमी हैं, ठीक है, तो मैंने इस चीज को वाच किया और आपसे पहले भी हमारी भेंट है, हम लोग पहले भी आ चुके हैं, तीन बच्चों को, तीन जरूरतमंदों को हमने साइकिल दिया था, तो हमको, हमने इनको बोला था कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे, तो मैंने सोशल साइट फेसबुक पे डाला तो करीब 160 जूता का व्यवस्था हुआ जिसमें 25 जूता मेरे अपने तरफ से। देखिए, मेरे पास भी संसाधन की कमी है, पहले मैंने सोचा कि मैं वैसे ही भेजवा दूं, फिर लगा कि नहीं चल के बच्चों से मिलता हूं। आज करीब 100 बच्चों को यहां पे जूता दिया गया, 40 जो बच गए हैं उनको 15 तारीख तक उनको व्यवस्था करवा दिया जाएगा। सर, इससे पहले भी स्कूल में सैनिटरी पैड का बैंक लगाया था, क्या हुआ सर उसका? देखिए, सैनिटरी वेंडिंग मशीन का अभी सिर्फ एक स्कूल से ही हमारे पास आया है वापस पैड मांगने के लिए और अभी तक किसी जगह से हमारे पास लौटो, हम एक ही दिन 400 से फर्स्ट मेरा विजिट था, 4 जगह लगाए थे, एक शांता कॉलेज है उसमें लगाए थे और एक जो लड़की जो थी जो हिट हुई थी गाना गाने में, हाँ पतलुका में हमने लगाया था और एक सरस्वती विद्या मंदिर में और एक हाई स्कूल में लगाया था। कोरोना काल में किस तरह से सेवा लोग कर रहे थे कि आप दिन में इतना समय के लिए? देखिए, पुरानी बात हो गई है बाबू, इसको कितना बार पूछेगा, एक कोरोना वाला कितना दिन तक खाएंगे उसी से रोटी। लेकिन सर, उसी के कारण आप आज बिहार में हिट है। चलो ठीक है, हम तो एक चीज और बोलेंगे युवा पीढ़ी से कम साल में एक बार ब्लड दे, हम 97 टाइम ब्लड दे चुके हैं, कल मैंने ब्लड दिया, मेरे फेसबुक पे जाकर आप देख सकते हैं, कल पूरा दिन मैंने काम किया, पूरा दिन काम किया और 8:30 में सोया हूँ और सुबह 3 बजे सब 2:30 बजे उठ गया हूँ और फिर अलार्म लगा कर उठा हूँ और फिर देखे आज आपके साथ हूँ। कहीं लग रहा है कि मेरे एनर्जी लेवल में कमी हो सकता है, फोटो खिंचवाने के लिए इतना एनर्जी हम ले रहे हैं, तो अच्छा लगता है। युवा पीढ़ी से जब भी मिलता हूँ तो हम कुछ सीखते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ना कोई सीखने की जाति होती है। आप किसी से भी, राजा हरिश्चंद्र ने एक डोम से शिक्षा ग्रहण किया, तो हम सब लोग से बोलते हैं, जाति से संस्कार नहीं आता है, संस्कार से आपकी जाति की पहचान बननी चाहिए और संस्कार जो है ना, एक गरीब से भी आप सीख सकते हैं, एक अमीर से भी सीख सकते हैं। हम अपना एक नया चीज कर रहे, पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं, हम अभी तक 82 जगह सिलाई मशीन सेंटर खोल चुके हैं और अभी विक्रम प्रखंड में गरखरी में हम गए हुए थे, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बोलना नहीं चाहिए कैमरे के सामने, एक पासवान गांव में मैं गया, अब विश्वास कीजिएगा उस गांव में लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, तो अब बताइए क्या संस्कार है? जाति से संस्कार नहीं आता है, स्वच्छ रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, दो ही कपड़ा है, भगवान देता है, दो ही कपड़ा पहनो और अपनी बात रखना सीखिए। अगर हम जा रहे हैं किसी डीटीओ ऑफिस या बीडीओ ऑफिस में तो जाकर अपनी बात रखेंगे कि सर हम ये हैं, हम ये चाह रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।